हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि बिहार बोर्ड के इंग्लिश सब्जेक्ट से पोइट्री सेक्शन का चैप्टर नंबर 4 ऑड टू ऑटम का शॉर्ट समरी लेकर आया हूँ। चाहो तो आप इसको एग्ज़ाम में लिख सकते हो, अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हो, बहुत आसानी से भी लिख सकते हो। ये बहुत ही शॉर्ट समरी है, इससे हल्का कुछ हो ही नहीं सकता। इससे पहले मैं 3 चैप्टर का वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, आप अगर वो अभी तक नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चैप्टर का नाम है ऑड टू ऑटम, ठीक है। इनकी राइटर का नाम जो है जॉन कीट्स है, और इनका डेट ऑफ बर्थ है, जन्मतिथि 31 अक्टूबर 1795 को इनका जन्म हुआ था। जन्म स्थान की बात कर ली जाए तो इनका जन्म स्थान है रोम, ठीक है। और इनका निधन 23 फरवरी 1821 को ट्यूबरक्लोसिस के नाम का बीमारी जो होता है उससे कारण इनका मृत्यु हो गया था, ठीक है। तो चलिए हिंदी के साथ इसको जानते हैं। दिस पोएम ऑड टू ऑटम हैज़ बिन कम्पोज बाई जॉन किट्स, यानी कि इस पोएम को कम्पोज करने वाले लिखने वाले जॉन किट्स हैं। दिस इज अ लॉन्ग पोएम, और यह एक लंबी कविता है। जॉन किट्स इज ऑल्सो नोन एज रोमांटिक पोएम, और जॉन किट्स को रोमांटिक पोएम के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। सेकेंड पैराग्राफ है, देखिए। इन दिस पोएम द पोएट वांट्स टू से अबाउट द ब्यूटी ऑफ नेचर, यानी कि इस कविता में कवि प्रकृति की सुंदरता को बतलाना चाह रहा है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू पोएट, यानी कि कवि के अनुसार, ऑटम इज द बेस्ट सीजन, यानी कि बसंत का जो मौसम होता है सबसे अच्छा मौसम होता है, ठीक है। इन दिस सीजन न्यू लीव्स एंड फ्रूट्स ग्रो इन ट्रीज, और इस मौसम में जो है पेड़ों पर नई पत्तियां आ जाते हैं, ठीक है, और हरे भरे जो ट्रीज हैं, पेड़ हैं, वो ग्रो करने लगते हैं, बढ़ने लगते हैं। द टेम्परेचर ऑफ दिस डेज इन वेरी प्लीजेंट, और इस दिनों तापमान जो है बहुत सुहाना होता है, बहुत ही आनंदमय होता है। द एयर ब्लोज फ्रेश एंड फ्रेंडली, और सभी हवा जो है बहुत ही ताज़ी होती है, मंद मंद हवा बहती है, इसका मतलब यही होता है, ठीक है। और आगे बर्ड्स सिंग एवरीवेयर, और जो चिड़चिड़िया हैं, चिड़िया हर तरफ चहचहाती रहती है। और टॉम सिम्बोलिजिस द यूथ पीरियड एंड द मिडिल एज ऑफ लाइफ, बसंत का जो मौसम होता है इस कविता में युवा अवस्था को दिखाती है, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।